Hi guys, welcome back to Travel Lights. And guys, first of all, happy Navratri. और आज है नवरात्रि का पहला दिन. जब तक आपके पास ये ब्लॉग आएगा, जब उससे नवरात्रि का पहला दिन ही है, तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं दुबई में आप ग्रॉसरी शॉपिंग कैसे कर सकते हो. ग्रोसरीज हो सकता है कि यहाँ पे आपको लगे कि बहुत महंगी है, लेकिन आपको मैं बताऊँ यहाँ पे इतनी वैरायटीज हैं हर चीज़ की ना. अगर आप क्लोजअप भी देखेंगे तो उसमें सारे क्लोजअप, आप अगर कुछ भी खाने का सामान देख रहे हैं तो वो भी सारा सामान है यहाँ. बहुत कुछ है, लेकिन मैं बताऊँ उस हिसाब से आपका रेट्स भी आते हैं. वो रेट भी अगर इंडिया की कंपेयर करो तो आपको 2 या 3 टाइम आपके ज़्यादा महंगे होंगे. बहुत लोग पूछते हैं कि कितना सामान कितना महंगा मिलता है यहाँ पे, जो भी है तो आपको हर चीज़ बताएंगे हम इस ब्लॉग में. तो आज हम इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे ग्रॉसरी हम कैसे करते हैं. पहली बात तो हम आ रखे हैं सिलिकॉन सेंट्रल मॉल में. यहाँ पे है लुलू हाइपर मार्केट में. क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या प्राइसेस मिलते हैं, कितना डिफरेंस है, सब तक आपके पास आने वाला है आज. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो दोस्तों, अब मैं चली सिलिकॉन सेंट्रल मॉल के अंदर, और जैसे ही मैं मॉल के अंदर घुसी, व्हाट आई सॉ वाज कि लुलू ने अपना देसी फैशन शो होस्ट कर रखा है. बेसिकली दे वर शोकेसिंग देयर एथनिक कलेक्शन. हमने बहुत सारे लोगों के डिफरेंट आउटफिट्स देखे, काफ़ी पसंद आया, और थोड़ा इन्होंने नवरात्रि का माहौल भी बना ही दिया था. इसका शो देखने के बाद हमने सोचा कि चलो अब अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग शुरू कर लेते हैं. और सबसे पहले हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेक्शन से शुरुआत की. टू स्टार्ट विद, यहाँ पे हम अपने आपको दिखाया कि यहाँ पे गार्लिक भी अवेलेबल है. बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है. देन देयर वर पोटैटोज, इंडिया में 30 रुपये किलो और दुबई में 184 या 390 रुपये किलो तक भी आपको मिल सकते हैं. एंड दीज आर द बेल पेपर्स. इंडिया में इसका रेट 70 है, दुबई में 230 है. सो गाइज, आपको ये तो चीज़ पता चल गई है कि यहाँ पे हर चीज़ अप्रॉक्सीमेटली 3x के प्राइस तक रहती ही रहती है. खैर, छोड़ते हैं और इसको अब बात छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या मिलता है. यहाँ पे गाजर, क्यूकम्बर, एवरीथिंग यू कैन फाइंड ईजिली. एंड ऐसी कोई भी वैरायटी नहीं है विच इज़ नॉट अवेलेबल ओवर हेयर. ये सिट्रस फ्रूट्स का सेक्शन था. आई वॉज अमेज्ड बाय द लाइन सिट्रस फ्रूट सेक्शन, यू नो. एंड दीज वर डिफरेंट वैराइटीज ऑफ लेमन्स. सबसे अच्छी चीज है नींबू, उसमें बीज नहीं. और इतने सारे लेमन्स के बाद ये देखिए अब आप इतने सारे ऑरेंजेस. मतलब इंसान खुद ही कंफ्यूज हो जाए कि मुझे लेमन खाना है, ऑरेंज खाना है, खाना क्या है बेसिकली. बट एनीवे, अब हम और भी फ्रूट्स देखते हैं कि और क्या क्या अवेलेबल चीज़ें थी. केला, एंड देन यू हैव लाइक एन नंबर ऑफ वेराइटीज. You think of the fruit you have in your head and everything is available over here. कोई भी ऐसा fruit और vegetable यहाँ पे है नहीं जो खास तौर पे मिलता ना हो. सबसे महंगा वाला fruit तुमने उठाया है यहाँ पर. सो बहुत हो गए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. अब हम बात कर रहे हैं थोड़ी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की. कैबेज जो इंडिया में 10 रुपये का एक पीस मिल जाता है, यहाँ पे 73 रुपीज़ पर केजी था. हो सकता है कि थोड़ा बहुत सिमिलर हो, बट इतना नहीं होगा. स्वीट पोटैटोज यू कैन गेस 115 रुपीज़ इन दुबई, एंड इंडिया में 25 रुपये किलो मिलता है. और ये छोटा सा कद्दू है, क्यूट सा बटर पम्पकिन, मुझे तो बड़ा प्यारा लगा. ये जो है इधर, यहाँ पे नारियल है, और इसके बगल में जो ये पड़ी हुई है ये है हल्दी. गाइस, दिस इज़ रियली गुड, और ये है फ्रेश हल्दी. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बाद हम देखते हैं डेयरी में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं. तो इंडिया में इन जनरल आपको 66 to 70 रुपीज़ पर लीटर मिल्क मिल जाता है, बट दुबई में वही हो जाता है 520 पर 4 लीटर्स. मतलब एक गैलन का रेट है ये. सो ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट पैकेजिंग है, एंड फ्रेश होता है, तो ये सबसे अच्छी बात है. अंडों के रेट में कोई खास तौर से ज़्यादा फर्क नहीं आया. ये मुझे अर्जुन ने बताया कि इंडिया में 200 रुपये की ट्रे मिल जाती है, और यहाँ पर भी हमें 250 के रेट के अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लगता. एंड घी की बात करते हैं तो इंडिया में यही चीज आपको 600 रुपए में मिल जाएगा 1 लीटर अमूल का घी, और यहाँ पे वही आपको 850 रुपए में मिलेगा. तो एक्सपेंसिव तो है थोड़ा बहुत, बट हाँ बिल्कुल भी एक्सपेंसिव की तरफ देखते हुए ना बढ़ते हुए हमें अपनी यूटिलिटी को ध्यान में रखना है. कोकोनट ऑयल से लेकर हर तरीके का वर्जन कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, जो भी आप सोचो, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं. जमा भी नहीं ठंडे में.
वर्जिन कोकोनट ऑयल 55 ग्राम का। यार अचार तो इंडिया में घर पे ही बना लेते हैं लोग, खैर मजाक से हट के कुछ लोग खरीद भी लेते होंगे, बट यहाँ पे वही चीज़ आपको 200 से 250 रुपए के आसपास मतलब एक बॉटल मिल जाएगी, बट वैरायटी सब कुछ मिल जाएगी जो आपका खाने का मन करेगा। और आपने बहुत सारे ये देखे होंगे कि इंडियन ब्रांड्स मिलना बहुत आसान है, सो इट्स नॉट अ हार्ड थिंग टू फाइंड और डिस्कवर ओवर हियर। और उसके बाद हम बात करें पूजा पाठ की सामग्री का, तो वो भी आपको सब कुछ मिल सकता है, दिए, धूप बत्ती, अगरबत्ती, घी के दीपक, जो भी चाहिए आपको यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि मतलब पूजा की इंटायर रेंज, इनफैक्ट अगर भगवान की मूर्तियाँ भी आप घर से लाना भूल चुके हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। एंड यहाँ पे भी जो फेस्टिव सीज़न था तो हमें यहाँ पे डांडिया स्टिक्स भी मिल गई, बट हमें खेलने का समय नहीं मिल पाया। बच्चों की सारी कलेक्शन है यहाँ पे, चाहे तो आप देख सकते हैं, मतलब कुछ कुछ ब्रांड्स के तो इतने वर्सेटाइल ऑप्शंस हैं विच इवन यू डोंट गेट देयर इन इंडिया, बट द ओनली थिंग इज़ कि दे आर ऑन एन एक्सपेंसिव नोट। ये तो आप दिमाग में बैठ लो, हर चीज़ 2x या 3x है। जैसे कि ये दूध का फीडर वाला बॉटल यहाँ पर मिल रहा है 780 का, आई एम प्रिटी श्योर कि इंडिया में भी महंगा होगा चलो, बट इतना नहीं होगा। और हाउ मच गाइज हेड एंड शोल्डर इज़ टू मच हेड एंड शोल्डर लेट मी नो, बिकॉज यहाँ पे आने के बाद शैम्पू के इतने ऑप्शंस, मतलब बाल ही धोने हैं इंसान को या क्या करना है। हर शैम्पू का हर ब्रांड के इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल थे। पैंटीन, इट्स लाइक अलग ही एरा चल रहा है पैंटीन का, वाटिका का, दे हैड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू बी ऑनेस्ट इनफ। तो हमने आपको यहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स दिखाए क्या क्या अवेलेबल है। टूथपेस्ट में क्लोजअप, क्लोजअप के बताना अगर आपने इनमें से कोई से भी ब्रांड्स इंडिया में अवेलेबल देखे हैं, बहुत सारे हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल नए थे यहाँ पे, जो हमने वहाँ पे कभी देखे ही नहीं है। तो गाइस ये सबसे एक्सपेंसिव चीज़ लगती है मुझे दुबई के अंदर, सबसे महंगा यहाँ पे सर्फ लगता है मुझे ऐसा लगता है। ये आप देख रहे हो यहाँ पर कितना 78 ग्राम का, और ये है वैरायटी काफ़ी सारी लेकिन एक्सपेंसिव होता है यहाँ पर। ये सेमी ऑटोमेटिक के लिए है। हाँ पर सेमी ऑटोमेटिक में इतना खर्चा, 44 ग्राम का एक सर्फ कितने केजी है, 2.25 केजी। तो गाइस ये थी फुल टू वीडियो आपके लिए, जो इसमें हमने सब कुछ रेट वेट दिखाए हैं, हर चीज़ आपको दिखाई है, कैसे कैसे वैरायटीज़ हैं हर चीज़ की। और बताना आप लोगों की कमेंट बॉक्स में कि कितना आपको अच्छा लगा यहाँ पर, कितना रेट में फ़र्क दिखता है इंडिया के कंपैरिजन में। देखो हमें तो पता है कि कितना है क्या है जो भी है, लेकिन आपको अगर कितना रिलेटेबल लगा कि मतलब कितना ऑथेंटिक हो सकता है, सब कुछ बताना। और एक मिनी क्लिप तो आप लोगों ने देखी है कि जो यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा था नवरात्रि का, एंड यहाँ पे भी आप सारे तीज त्योहारों का जो रौनक है वो पूरी बढ़ चुकी है, एंड इट्स प्रीटी एक्साइटिंग। दुबई में भी भाई साहब सब कुछ मनाया जाता है। मैं ये देखता हूँ कि मतलब यहाँ पे आपको लगेगा नहीं कि आप कहीं और बाहर आ गए हो देश से, ऐसा लगेगा कभी कभी तो लगता है कि आप इंडिया में ही हैं। और हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि दो लोगों की ग्रॉसरी करने में हमें कितना खर्चा आता है, तो पर मंथ ऑन एन एवरेज हम मतलब अच्छे से हर चीज़ खाओ, कुछ भी करो आप आराम से वो करो, तो 800-1000 दिरहम्स में आपका फूड, फ्रूट्स, ग्रॉसरी, दाल, पल्सेस, आटा, चावल, दाल, सब कुछ, थिंक अबाउट इट, गेट कवर्ड। हम इसमें से आपके शैम्पू, अब आप एकदम ही हाई एंड ब्रांड्स की बात करें और अगर उसमें जाना चाहते हैं तो देन गाइज किसी भी चीज़ की कोई लिमिट नहीं होती, ये तो आपको पता ही है, बिकॉज ये बात आपने मेरे बॉस से 100 बार सुन चुके होंगे कि दुबई की कोई एंड लिमिट नहीं है। आपको अगर अच्छा एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल जीना है यहाँ पे, मतलब अच्छा आप किसी चीज़ में कोई कमी नहीं कर रहे हैं, मतलब आप हर चीज़ अच्छी खा रहे हो, आप अपने डाइट का पूरा ध्यान रखिए, आप फ्रूट्स ले रहे हो रेगुलरली, आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हो, दूध पी रहे हो हर दिन, तो आप 800-1000 ग्राम में दो लोगों का खर्चा आराम से हो सकता है। But our again groceries related to guys, we will see you in another video. Tab tak ke liye bilkul bhi mat bhulo hame like, share aur subscribe karna, because aapka saath hai hamari taakat. Popo the sailor man. To guys happy navratri, aur ab hum bahut jaldi India jane wale hain, to bahut sare aaj ke liye acche acche vlogs bhi aane wale hain, kyunki festival start hone wale hain aur channel ko pehle se festive vibe mein aa chuki hai. To guys video ko hum log yahi pe end karte hain, chaliye milte hain aapko next vlog mein, bye bye.